कि जब निकलती है तो पूरा समाज रिझ जाता है, और जब ऐसी सनातनी श्रृंगार करके जब निकलेंगे और चलेंगे तो परमात्मा भी रिझ जाते हैं और सबके घर में जाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। आप लोगों का ये अथक प्रयास और थकान के लिए मैं बार बार आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, बार बार क्षमा प्रार्थी हूँ कि इन्होंने हम सभी लोगों का जो सपना मन में सजा था कि बाबा अमरनाथ, माता वैष्णो देवी और सभी देवी देवताओं का दर्शन करेंगे, इन सपनों को पूरा किया। डॉक्टर साहब का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि ये अमरनाथ यात्रा हर लोग के लिए संभव नहीं है। जो ये प्रयास 25 सालों से कर रहे हैं इनके लिए जानदार तालियां बजा दीजिए। हर्ष के साथ हम लोग अपनी यात्रा का अंतिम पड़ाव भी, हम इसे अंतिम पड़ाव कहें या अपने यात्रा का लक्ष्य करें हैं, हम लोगों ने इस लक्ष्य को आज प्राप्त कर लिया। इस लक्ष्य की उपलब्धि के लिए बहुत सारी हमसे भी गलतियां हुई हैं, बहुत सारी कमियां हुई होंगी, आप लोगों को बहुत थकान भी हुआ होगा। मैं आप सभी लोगों से, आप सभी संत जनों से, आप सभी विद्वत जनों से, हरि जनों से, हर जनों से, विद्वत और प्रियजन आत्मजनों से मैं अपना करबद्ध प्रार्थना करके प्रणाम आप लोगों से अर्पित करता हूं और क्षमा भी चाहता हूं। आप लोगों का आशीष हम पर, आप लोगों का आशीष हम पर अवश्य बरसना चाहिए, और इसके लिए मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोग अपने मन में कोई हमारी बात का अपने मन में दर्द लेकर नहीं जाना। अगर किसी के हृदय में दर्द हो भी तो मेरे झोली में डाल देना। मैं आप लोगों से यह आग्रह करूंगा, मैं सच बताता हूं, जैसे पूर्णिमा हमेशा एक मंथ का पूरा इंतजार करके चंद्रमा पूर्णिमा की रात्रि प्राप्त करता है, इसी तरह से उसका तो 30 दिन में ही एक लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। मेरा 362 दिन पर एक पूर्णिमा आता है, जब आप लोग आते हैं तब आप लोगों का मिलन हमें 10 दिन, आप लोगों के मिलन के उत्साह में, उमंग में मैंने 10 दिनों तक बड़ा ही आनंद में रहा, जिससे मुझे नींद भी नहीं आई, मुझे कोई थकान भी नहीं आई, मुझे कोई निराशा भी मन में नहीं आया। ये आप लोगों का ही प्रेम का ये सारा शक्ति है, और आज मैं आप लोगों के गाड़ी से दिल्ली नहीं चल पा रहा हूँ, इसलिए कि कुछ लोग अभी पीछे हैं, मैं उनके साथ आऊंगा, तो लेकिन हमारा प्रेम आप लोगों के हृदय में आज भी है, हमारा आदर आप लोगों के साथ हमेशा रहेगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग समय समय पर हमारी भी हाल चाल लेते रहिएगा, मैं आप लोगों का भी जरूर लेता रहूंगा। चलिए, ये मिलन की बात हुई, लेकिन अब आप लोगों के जाने के बाद का जो समय है, अब हमारा आप लोगों का विरह मुझे एक साल नहीं सोने देगा। क्या आप लोग इस विरह को एक साल से आगे मत बढ़ाइएगा, आप लोग आगे भी ध्यान में रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जब तक हम जीवित रहें, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का प्रेम इस यात्रा को संचालित रखे। मैं आप लोगों से बार बार विनती करके यही कहूंगा कि मैं आप लोगों का मस्तक झुकने नहीं दूंगा। आप सभी लोग बड़े ही शुद्ध सनातनी हैं, आप लोगों का लवंग, आप लोगों का श्रृंगार, आप लोगों का नयन ऐसे दिखता है कि आप लोगों के भौं हिलने से ही मुझे लगता है कि अथाह समुद्र की प्रेम हमारे हृदय को झकझोर देती है।
आप लोगों का मस्तक देखता हूं तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे सूरज अपनी लालिमा लिए हुए आपकी तरफ से मुझे प्रकाशित देता है। आप लोगों का जब मैं दोनों नयन देखता हूं प्रेम से भरा हुआ, तो मुझे लगता है कि दिन का राजा सूर्य और रात्रि का राजा चंद्रमा मुझे साक्षात अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। आप लोगों का यह श्रृंगार देख करके मैं क्या रिझूंगा, मैं सच बताता हूं, अगर कोई औरत श्रृंगार करके जब निकलती है तो पूरा समाज रिझ जाता है, और जब ऐसे सनातनी श्रृंगार करके जब निकलेंगे और चलेंगे तो परमात्मा भी रिझ जाते हैं और सबके घर में जाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। आप लोगों का ये अथक प्रयास और थकान के लिए मैं बार बार आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, बार बार क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग मुझे प्रेम में और वशीभूत न होने दें, अन्यथा हमारे दोनों नेत्रों से हो सकता है कि मुझे गंगा बहाने की क्षमता ना हो, लेकिन आंसू बूंद बहाने की क्षमता तो परमात्मा जरूर प्रवाहित कर देंगे। इसलिए मैं आप सभी से नित्य नैति प्रतिदिन का प्रणाम लेता हूँ और आप लोगों से आशीष चाहता हूँ। आप लोग अपना दोनों हाथ ऊपर करके बोले माता वैष्णो की, भगवान भोलेनाथ की, हमारे सभी भक्त और संत जनों की, आप सभी हरि जनों की जय हो, आप सभी का सदा जय हो। मैं चाहूंगा कि 2 मिनट स्वामी जी भी कुछ अपनी अभिव्यक्ति आप लोगों से रख ले और 2 मिनट हमारे उमेश जी भी धन्यवाद आप लोगों को कर ले। अगर समय हो तो अमरनाथ जी भी अपनी 2 बातें रख सकते हैं। आइए उमेश जी। हम उस लायक भी नहीं है कि आप लोगों के सामने कुछ बोल सकूं, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, कुछ गलती हुआ होगा तो माफ कीजिएगा। आप लोग जितने भी संत बड़े जन है, भाई बहन है, सबको जनपद प्रणाम मेरे तरफ से। आप सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ और डॉक्टर साहब का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि ये अमरनाथ यात्रा हर लोगों के लिए संभव नहीं है। जो प्रयास 25 सालों से कर रहे हैं इनके लिए जानदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते, एक सपना होता था अमरनाथ जाने के लिए, कोई रास्ता नहीं दिखता था। और हमसे इस 10 दिन में जो भी गलतियां हुई हो उसे क्षमा करेंगे। जाने अनजाने हम बहुत कुछ बोल दिए हैं, मजाक में बोल दिए हैं, ठीक है, और जितना मुझे करना चाहिए था हमें त्रुटियां हुई है, मैं नहीं कर पाया हूँ। प्रयास करूंगा आगे से और मैं अच्छा से कर पाऊँ। और डॉक्टर साहब के लिए तहे दिल से बधाई है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है इनके लिए बोलने के लिए। बड़ी मेहरबानी इनकी बदौलत हम लोगों ने अमरनाथ की यात्रा करी, और मान लो हम लोग डॉक्टर साहब का और आप सभी लोगों का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं, और हम लोग से तो गलती हो तो माफ कर लें। मेरे तरफ से बहुत बहुत प्रणाम कर रहे हैं और डॉक्टर साहब जो है मेरा प्रणाम कि इन्होंने हम सभी लोगों का जो सपना मन में सजा था कि बाबा अमरनाथ, माता वैष्णो देवी और सभी देवी देवताओं का दर्शन करेंगे, इन सपनों को पूरा किया। और इस यात्रा में बहुत सारी गलतियां हुई, कुछ हमसे भी हुई, कुछ और लोगों से भी हुई, पर खैर इसमें कोई बात नहीं, सारे अपने और अपने जहां होते हैं वहां गलतियां होती हैं और अपने को माफ किया जाता है। और आगे से हम सभी का ऐसा ही प्रेम स्नेह बना रहे जैसे इस 10 दिनों के साथ रहा, जैसे हम लोग एक साथ सोए खाए पिए घूमे टहले, ऐसे ही प्रेम हमेशा बना रहे। जय माता दी, हर हर महादेव। अपना दोनों हाथ ऊपर करके बोले माता वैष्णो की, भगवान भोलेनाथ की, हमारे सभी भक्त और संत जनों की, आप सभी हरि जनों की जय हो।